कोरोना संक्रमण के बाद अब देश में बर्ड फ्लू का कहर बढ़ते ही जा रहा है। कई राज्यों में कौओं की मौत से लोगों में दहशत है। जंगल और रिहायशी इलाकों में कौओं की मौत हो रही है। कई जगहों पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है तो कई जगहों पर कौओं को जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कई जिलों में मीट और चिकन पर जिला प्रशासन ने अब पाबंदी लगा दी है। सिरोंज में तालाब के पास एक दर्जन कौओं की मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक पक्षियों की जांच के लिए अब इन्हें लैब में भेज रहे हैं। बर्ड फ्लू को लेकर पटेरा कुम्हारी थाना प्रभारी ने सावधानी बरतने के लिए अंडा मछली मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बुरहानपुर के खखनार के दर्तलाई में कौवा मृत पाया गया है, जिसकी जांच में अधिकारी जुटे हुए हैं। वहीं पृथ्वीपुर के सोरका गांव में दो दर्जन से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है। पशु चिकित्सा विभाग ने सोरका सहित निवाड़ी जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। तो वही छत्तीसगढ़ के बालोद में भी दो कौओं की मौत हुई है, जहां लोगों ने मृत कौओं को जला दिया है। इससे पहले तीन मृत कौओं की जांच के लिए लैब भेजा गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो रायगढ़ में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पशुपालन विभाग के उपसंचालक ने एक बैठक बुलाकर सभी पोल्ट्री फार्म संचालकों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। मौजूदा हालातों में लोगों का कहना है कि 2020 जहां कोरोना से प्रभावित हुआ, तब 2021 को बर्ड फ्लू संक्रमित कर रहा है।